कुर्मी भर से यादव। दोस्तों ये दोनों ही जाति काफी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं, तो फिर आज हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली जाति कौन सी है। दोस्तों कुर्मी जाति भारत में कई जगह पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गोवा और कर्नाटक शामिल है। जबकि यादव जाति पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान जैसे शहरों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों यादव जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपना नाम यादव, सिंह, राव, प्रताप, चौधरी आदि जैसे उपनाम लगाते हैं, तो वहीं कुर्मी जाति के अंतर्गत आने वाले लोग अपना नाम में पटेल, रेड्डी, नायडू, वर्मा जैसे उपनाम लगाते हैं। दोस्तों यादव जाति का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, यदु से वंशज और प्यार से लोग इन्हें कृष्ण और गोपाल भी कहते हैं। जबकि कुर्मी जाति का अर्थ है उत्तर भारत में पूर्वी गंगा के मैदान में एक गैर कुलीन किसान जाति। और दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी के समय कुर्मियों को उच्च जातियों के द्वारा दास के तौर पर खरीदा जाता था, और वर्तमान समय में कुर्मियों की जनसंख्या भारत में लगभग 2 करोड़ है, जबकि यादवों की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है।